नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद इकाई दतिया की कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर आज दिनांक 10 जुलाई 2020 को इंदरगढ़ तहसील कार्यालय पर पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि भलाई के जेपी सीमेंट कंपनी ने कोविड-19 कोरोना महामारी के इस भयंकर समय में मजदूरों को फैक्ट्री से बाहर का रास्ता दिखाया। तब मजदूरों ने सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा से मुलाकात कर अपनी पीड़ा बतलाई। तब सतना विधायक गरीबों के मसीहा उन सभी मजदूर भाइयों के साथ सत्याग्रह आमरण अनशन पर शामिल हुए। तो प्रदेश ने दमनकारी नीतियों के तहत मजदूरों पर लाठियां बरसाई और सत्याग्रह को समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा मैदान में डटे हुए हैं। उनके समर्थन में अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद इकाई दतिया के समस्त कुशवाहा समाज के कार्यकर्ताओं ने समर्थन में साथ देने की बात कही है। वहीं जरूरत पड़ने पर आमरण अनशन पर बैठने की भी चेतावनी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। मैडम, आपने जो आज ज्ञापन दिया है किस संदर्भ में दिया है? सतना विधायक हमारे सिद्धार्थ कुशवाहा जी अनशन पर बैठे हैं सीमेंट और ठेकेदार के विरोध में, उसमें मजदूरों को फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया है। तो उसी संबंध में हम सारी कुशवाहा समाज ने ज्ञापन दिया है और हम इसकी लड़ाई यहाँ से भोपाल तक लड़ेंगे, आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे हम लोग। आप सारे लोग इनके साथ में हैं? बिल्कुल साथ में साहब, जब तक उन मजदूरों की कोई सुनवाई नहीं होगी तब तक उनके साथ में हम सब हमारे साथ में हैं।